ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नए व्लॉग में। मैं आ चुका हूँ एक और नया व्लॉग रोके, और आपने अगला व्लॉग तो देखा ही होगा। ये हमारा दूसरा व्लॉग है, यहाँ से मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं और भैया यहाँ पे टीवी का कुछ सेटिंग कर रहे हैं, मतलब अभी जो टाटा स्काई का डिश आता है वो अभी तक नया है, लेकिन इसमें नेटफ्लिक्स और बाकी सब चलता है। तो हमने सोचा क्यों ना वाईफाई है तो वाईफाई से इसको कनेक्ट किया जाए। अभी गूगल यहाँ पर हो रहा है, भैया अपनी जीमेल यहाँ पर डाल रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर टीवी। अभी स्टैंड भी वहाँ पर लगाना है, तो अभी यहाँ पर नीचे रख के ही हम ट्राई कर रहे हैं। अभी यहाँ पे भैया उसकी जीमेल डाल रहे हैं, लेकिन रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है, उसको भी पता नहीं है पासवर्ड क्या है। पहले अपने फॉरगेट कर लो, फिर वहाँ पे लगाना, नहीं तो मेरा जीमेल डाल दे रहे। तो अभी यहाँ पे गाइस इसका फुल्ली सिस्टम, भाई क्या ही कीबोर्ड सब। और दूसरी हमने एक एलजी की टीवी देखी थी ना, उसमें तो पूरा एरो आता है, रिमोट से एरो से हम पूरा लिख सकते हैं। तो अभी ये हो जाए एक बार, फिर मैं टीवी में ज़्यादातर क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि कॉपीराइट आता है टीवी में। अगर कोई भी साउंड यहाँ पे चला वीडियो में आ गया तो 10 सेकंड से ऊपर आ जाएगा तो कॉपीराइट क्लाइम आ जाएगा। इसलिए मैं टीवी अभी क्या है फॉरगेट कर रहे हो क्या भैया, अभी यहाँ पे फॉरगेट कर रहे हैं पासवर्ड। और आप देख सकते हो यहाँ पर मम्मी जी रोटलो बना रही है, और यहाँ पर एक हो चुका है नया घर। नहीं भाई, रसोई खाने में भी बहुत ही मज़ा आ रहा है, पेड़ ही बड़े बड़े हैं, और यहाँ से भाई हवाएँ चलती है, मस्त मज़ा आता है। नीचे भी आप देख सकते हो फोर व्हील पार्किंग, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है ऑलरेडी। अभी ना डेकोरेशन और सबका सामान लेने के लिए भी जाना है, तो उसके लिए भी हमें जाना पड़ेगा। फिलहाल अभी यहाँ पे भैया फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं, मेरी डाल देते हैं मेरी, यहाँ पे टीवी स्टार्ट कर दी है, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब सब चल रहा है, हमने वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है। एंड अभी ना क्या है, टीवी पे मैं दूसरा कोई भी वीडियो नहीं चला सकता, क्योंकि कॉपीराइट क्लाइम आ जाएगा। तो हमने हमारा ही व्लॉग यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोगों को मैं पहले दिखा देता हूँ। देखो भाई, भाई कितना बड़ा और क्या ही मस्त दिख रहा है। ये ना गाइस मेरा छठा व्लॉग है शायद, ये सिक्स, हाँ ये छठा ही व्लॉग है। छठा व्लॉग मैंने जब अपलोड किया था वही मुझे, मैं अभी यूट्यूब पे गया ना तो पहले मुझे वही व्लॉग दिखा, तो मैंने सीधा वही व्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे वीडियो पे तो भाई कॉपीराइट, मैं ही अपना वीडियो दूसरी बार डालूंगा तो कॉपीराइट नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा दूसरा कोई तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको ये दिखा देता हूँ। और इसका भाई वॉल्यूम है ना वो बहुत ही मस्त है, अगर हमें ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ी वॉल्यूम की तो मेरे पास होम थिएटर और सब है, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, और भाई फिर तो तबाही हो जाएगी। लेकिन आसपास रहते हैं ना काफ़ी, दूसरे भी फ्लैट हैं तो उसको डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए इतने बड़े साउंड सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। तो अभी टीवी को एंजॉय करते हैं, अभी इसके बहुत सारे फ्यूचर्स हैं जो मैं अभी देखूँगा सेटिंग में सब, तो वो सब कर लेते हैं। ओके गाइस, नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, और अभी दोपहर के 4 बजने वाले हैं, और चाय पीने का टाइम है। अभी तो सामने मैच चालू है, भैया यहाँ पे चाय पी रहे, और ये चाय भैया ने ही खुद बनाई है अभी, और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे नीचे ही रखी हुई है, तो भैया ने यहाँ पे ये बढ़िया सी चाय बनाई, और सामने चल रहा है मैच। मैंने अभी इसको म्यूट किया है, क्योंकि भाई अगर इसका साउंड चलेगा तो शायद कॉपीराइट अब मैच में, तो पता नहीं। अभी यहाँ पे पीछे स्टैंड वाला अभी तक नहीं है गाइस, और आज पर्दा वाला भी वो आ रहा था ना, वो पीछे वो पर्दे वाला वो भी आने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं आया। दोपहर के 4 बज चुके हैं, अभी देखते हैं कि वो अभी आएगा या नहीं। एक दो बार भैया उसे कॉल कर लेना, अभी उसको कॉल करेंगे, क्योंकि भाई पर्दे आ जाए ना, तो दोपहर को क्या होता है ना, धूप इस तरफ से आती है, तो वो दो रूम है ना उस साइड वाला है, वहाँ पर दोपहर को सो नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही पूरी आँख में ही धूप आती है। इसलिए पर्दे अगर फिट हो जाए वहाँ पर आ जाए तो बहुत ही मस्त लगेगा, फिर वहाँ पे अंधेरा होगा तो सोने में भी मज़ा आएगी, नहीं धूप भी नहीं आएगी। तो अभी चाय पी लेते हैं पहले। ओके, अभी कर्टन वाला नहीं आया, क्योंकि अभी कर्टन तो रेडी हो, लेकिन वो नहीं आएगा ना आज। गाइस, मेरे गेमिंग सेटअप में दूसरा कुछ भी नहीं करना है, ये तो भाई छोड़ो इसको, तो ये है ना, ये होम थिएटर है जो यहाँ पे नीचे, हमने जैसे ही वहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे नीचे लगाना है। और ये हमारे पास है LCD 22 इंच का, यहाँ पे सैमसंग का मॉनिटर है, जो हम हमारे लैपटॉप के साथ इसे कनेक्ट करेंगे, और इसे हम यहाँ पे रखेंगे, ये हटा देंगे और यहाँ पे रख, क्योंकि यहाँ पे प्लग है तो यहाँ से आसानी से पावर आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं रखूँगा तो यहाँ से भाई मुझे वायर कनेक्ट यहाँ तक करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर रख दूँ। अभी सबसे बड़ी गाइस गेमिंग सेटअप करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई हमारे पास चेयर ही नहीं है, मतलब हमें एक तो चेयर लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम मॉनिटर सब लैपटॉप सब अगर
वहाँ पे टेबल पे रखेंगे तो एक चेयर तो बैठने के लिए चाहिए। अभी वहाँ से हम सेटी पे तो नहीं बैठ सकते, बेड पे तो नहीं बैठ पाएंगे, इसीलिए हमें भाई चेयर तो लेनी पड़ेगी। तो पहले हम चेयर लेने जाएंगे, चेयर आ जाएगी, बाद में हम हमारा गेमिंग सेटअप करेंगे। तब तक के लिए भाई हमारा पास ये जो मोनिटर, ये जो हमारा लैपटॉप है, यहाँ पर हम बेड पर ही रख के एडिट पूरा सब कुछ करेंगे। और तब तक के लिए तो भाई हमें यही करना पड़ेगा, जब तक चेयर नहीं आ जाती तब तक यही करना पड़ेगा। और अभी थोड़ा काम भी बाकी है भाई, बहुत सारा काम है। अगर यहाँ पे सब फिट हो जाए, एक बार पड़ता सब आ जाए तो फिर अच्छा रहेगा। भैया अभी भैया आए कुछ फिटिंग करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि दीवार में यहाँ पर छेद करके जो किली जो लगाते हैं, वो भी पोस्टर यहाँ पर लगाने के लिए। भैया आए, आप यहाँ से करोगे? वहीं से कर लेंगे, जहाँ बोलेंगे जहाँ लगा देंगे। आप चॉइस कर लीजिए कहाँ लगाना है, जिससे भैया सब फिट ना। अभी भैया आए हैं, वो सब फिट कर रहे हैं, दीवार पे छेद करके सब लगा रहे हैं बाथरूम में सब लगाने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, आप देख सकते हो, अभी ये दीवार पे यहाँ पे लगाना है की के लिए। मैं अभी अच्छे से आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले तो अभी ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर लग जाएगी भाई, हरे कृष्णा की, मतलब ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे की वगैरह जो भी ऐसा चाबी होती है, घर की तो नहीं, बाइक की सबकी चाबी यहाँ पे हम रख सकते हैं। सीधा डोर खुलते हैं, यहाँ से हम चाबी सीधा रख के अंदर आ सकते हैं। तो ये और बाकी यहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा है, जो ये सब बाथरूम के लिए, ये डोर के पीछे लगाने के लिए, कपड़े रखने के लिए, सब रखने के लिए। अभी ये सब जब लग जाती नहीं, अभी टीवी स्टैंड भी लगाना है। और मैंने भैया को बोला, लेकिन भैया बोल रहे हैं कि कहाँ पे लगाना है वो किसी को पूछ लो या कैसे उसकी माप साइज़ सब ले लो। तो अभी मैंने जहाँ से टीवी लिया है वहाँ पे कॉल तो किया है, लेकिन अभी देखते हैं क्या होगा। और मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने अभी आप सभी लोगों को दिखाई, हरे कृष्णा जो लिखा हुआ है, और वो की लगाने के लिए। वो एक बार लग जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा क्या ही मस्त लग रहा है गाइस। वो पर्सनली मैंने चूज़ किया है, दुकान शॉप पे जाके मैंने ही उसे पर्सनली लिया है। कि वहाँ पर दो तीन थी, एक मस्टैंग जैसा वो जो हॉर्स का लोगो आता है वो भी था, लेकिन मुझे ये कृष्णा का बहुत ही पसंद आया। और ये अभी पीछे की जो आप विंडो देख रहे हो मेरे पीछे की, इस वाले विंडो में ये जो कृष्ण भगवान का यहाँ पे फ़ोटो आने वाला है, मतलब जो पर्दा होता है ना उसमें ही कृष्ण भगवान का फ़ोटो आएगा। तो ये पूरा वैसा लगेगा, वो भी मस्त लगेगा। जब हो जाएगा तब वो भी मैं आप सभी लोगों को दिखा दूंगा। गैस की लाइन ठीक कर रहे हैं। भैया कैसे हो बता दो एक बार व्लॉग में, बढ़िया हो? अरे आपको तो सही हिंदी बोलनी आती है, बोलो। नहीं नहीं अभी नहीं बात करना है। अभी नहीं करना है बात, लास्ट में जाओगे तब करोगे ना बात, लास्ट में करोगे ना, यहाँ से जाओगे तब बात। पहाड़ बहुत ही मस्त, सूर्यास्त का समय हो चुका है भाई, वहाँ पे भी मैं बहुत ही सूर्यास्त दिखाता था। अभी यहाँ पे भी मैं दिखा रहा हूँ भाई, थोड़ा ऊपर होता तो बहुत ही मस्त लोकेशन आता। अभी ना गैस पर्दे और सब फिट हो चुके हैं, जो भी आधा काम था वो हमने समाप्त कर लिया है। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा लगा है। अभी देख लो गैस, चारों रूम में ऐसे ही है और मुझे तो काफ़ी सही लग रहा है। अभी ये जो येलो लाइट है ना, ये कल चेंज करवाने आएंगे, तो अभी ये हो गया। अभी गाइज एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ मैं आप सभी लोगों को। तो मैंने बोला था कि भाई बाहर वाली विंडो है ना, उसमें बहुत ही बढ़िया मैं कॉटन पर बहुत ही बढ़िया पर्दा लगवाने वाला हूँ, तो वो है भगवान श्री कृष्ण का। और अभी आप देख सकते हो गाइज क्या ही मस्त लग रहा है भाई, ये मुझे सबसे पसंद आया भगवान श्री कृष्ण का, भाई क्या ही मस्त लग रहा है। और दूसरा, यहाँ पे हमने की लगाई हुई है, मैंने आपको दिखाया था राधे कृष्णा, और ये भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। तो ये दोनों चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और गाइस एक और बात बता दूँ कि अभी बैकग्राउंड में यही रखेंगे, मस्त लग रहा है। तो अभी आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि गाइस बहुत ही बड़ा व्लॉग हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा यहाँ से स्टार्ट रखूँगा। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे भाई टूट पड़ो, सब्सक्राइब बटन के ऊपर प्रेस कर दो और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।